खाने जा रहे हो वाड़ी हो एंड इट इज रियली टेस्टी टेस्टिंग लाइक अ तंदूर काइंड ऑफ थिंग क्योंकि तंदूरी चिकन में फ्लेवर आता है. सो वैसे ये तंदूरी वेज है. डे टू ऑफ द रोड ट्रिप. सो यहाँ से हम लोग जा रहे हैं भावनगर. भावनगर इज़ अराउंड 430 किलोमीटर्स फ्रॉम दिस प्लेस एंड इज शोइंग अराउंड 7.5 hours. बट गूगल का 7.5 hours यू शुड नॉट ट्रस्ट बिकॉज देयर मे बी चांसेस लाइक नो देर माइट बी सम जैम्स ऑन द रोड एट्सेट्रा. सो और हम बीच में स्टॉप्स भी लेके जाएंगे. सो इट्स नॉट अ कंटिन्यूस ट्रिप. सो आई थिंक अराउंड 1 घंटा 1.5 घंटा बफर लेके ही चलते विच इज़ गोइंग टू बी देन 9 hours एज अ रोड ट्रिप. So let's see how it pans out and what all we see on the way. आपको अपडेट करते रहेंगे. Ciao. फेमस डिश है एंड इट हैज़ ऑल दीज फ्रेश वेजिटेबल्स. उसमें मुझे दिख रहा है कुछ स्वीट पोटैटोज है, फिर पापड़ी है, तुअर फली, ओके, सम नॉर्मल पोटैटोज ऑल्सो देयर दीज वंस. ओके, अरे हाथ से खाना पड़ता है. हमने चम्मच पूछा तो चम्मच उनके पास था नहीं. एंड दिस इज अ स्वीट चटनी. लेट मी जस्ट टेस्ट एंड टेल यू. या दिस गुड. अरे मिर्ची का चटनी. सो लेट मी सी लाइक यू नो हाउ इट टेस्ट्स. वेरी नाइस, टू गुड. टेस्टिंग लाइक अ तंदूर काइंड ऑफ थिंग क्योंकि तंदूरी चिकन में फ्लेवर आता है. सो वैसे ये तंदूरी वेज है. ओके, एंड इट इज़ रियली टेस्टी. मे बी दैट्स व्हाई दे डोंट प्रोवाइड स्पून्स बिकॉज दे नो यू गोइंग टू एंड अप लिकिंग योर फिंगर्स. उसको हाथ से ही खाना है. एंड आई थिंक दिस इज स्पेशली फॉर विंटर्स. गुजरात में इसको विंटर्स में बनाते हैं. उसका नाम है उबाड़ियू. कैन जस्ट गूगल इट अप. सो उबाड़ियू थोड़ा सा स्पाइसी था. उसके साथ में छाछ इज डेफिनेटली एडवाइजेबल. इट्स अ वेरी नाइस अरेंजमेंट और ये उसकी जगह है. इट इज लाइक वेरी रस्टिक फील, प्योर देसी वाइब्स काइंड ऑफ विलेज लाइक फील. ओके, तो अगर आपको ऐसा चाहिए तो डेफिनेटली विजिट दिस प्लेस. आई विल गिव द लिंक ऑफ इट इन द डिस्क्रिप्शन और इन द कमेंट. द फूड इज़ अमेजिंग. ओके, इट्स फैबुलस. इट्स लाइक अ ढाबा काइंड ऑफ अ प्लेस. ओके, दे हैव टिंग रूट्स एंड स्टफ लाइक दैट एंड इट जस्ट ऑन द हाईवे. इट इज़ जस्ट ऑन द हाईवे. जब वो बाइफर्केशन होता है आफ्टर यू लीव वलसाड तो वहाँ पर आपको दिखेगा. दिस मोर लाइक अ सेल्फ सर्विस काइंड ऑफ अ होटल. ओके, तो वी हैव टू थ्रो आवर प्लेट्स इन द डस्टबिन ऑफ हियर. एंड एक्चुअली दिस इज़ ये काफ़ी फेमस लग रहा है ये डिश लाइक नो बिकॉज आसपास के काफ़ी सारे होटल्स हैं जिसमें उबाड़ी उबाड़ी दिख रहा है. यहाँ पे भी कुछ एक होटल है जिसमें उबाड़ी बेच रहे हैं. पीछे भी कुछ एक था जिसमें उबाड़ी था. यहाँ पे भी है उबाड़ी. क्या तो ये काफ़ी फेमस लग रहा है यहाँ पे. ज़रूर ट्राई कीजिए अगर आप रोड ट्रिप पे हो. और रोड ट्रिप का यही एडवांटेज है कि अगर आपको कहीं कुछ अच्छी चीज़ दिखी यू कैन पार्क योर कार राइट करेक्ट. जो आपको दूसरे ट्रिप्स में शायद उतना नई फ्लेक्सिबिलिटी मिलता. यू ओनली एंड अप ईटिंग लाइक नो ओनली एट द कमर्शियल प्लेसेस. है यहाँ पे रियल टेस्ट मिलता है आपको दिस काइंड ऑफ प्लेसेस. सो आई थिंक दैट्स द एडवांटेज ऑफ रोड ट्रिप. डू ट्राई.
आर टोल प्लाजा। सो अभी का जो टोल था ना उसका 65 डिडक्ट हुआ है, वी कैन सी दिस। हमें वहाँ पे बताया कि 130 डिडक्ट हो गया, बट देन मे बी लाइक दे हैव सम मिस इन्फॉर्मेशन और समथिंग, द एक्चुअल डिडक्शन इज 65। वैसे ये पहला वाला जो टोल था खाने उड़े टोल प्लाजा उसका भी मुझे 130 बताया था, पर एक्चुअल डिडक्शन सिर्फ 75 हुआ है। सो दिस इज अ लिटिल वियर्ड। एनीवेज आई एम अ हैप्पी कस्टमर बिकॉज जितना उन्होंने बोला था उससे कम ही डिडक्ट हुआ। सो मे बी ऐसा लग रहा है कि फास्टैग की वजह से थोड़ा सा सस्ता है, अगर फास्टैग नहीं है आपके पास तो फिर थोड़ा ज़्यादा चार्ज करेंगे ऐसा कुछ लग रहा है शायद। मे बी दैट इज़ द फंडा साइड एंड दिस एंटायर रोड अप टू भावनगर वो बाहर से ही जाता है, सूरत के बाहर से। ओके, तो उस रोड से जैसे हम आगे आए ये पाँचवा टोल है, चौरियासी टोल प्लाजा ऑन द एंटायर रोड अप टू दीव, ये पाँचवा है टोल। नाइट्रोजन फिलिंग कर लिया टायर्स में, इट्स अ वेरी गुड प्लेस, विजय पेट्रोलियम और समथिंग लाइक दैट, भारत पेट्रोलियम का पंप है, जस्ट हाफ किलोमीटर आफ्टर यू क्रॉस चौरियासी टोल प्लाजा। और उसके बाद उसमें हमें ये भी हमने लिया है पापड़ी, दिस इज अमेजिंग थिंग, आई एम टोटली इन लव विद दिस। सो इंस्टेड ऑफ हैविंग वेफर्स चिप्स एंड ऑल यू कैन हैव दिस पापड़ी थिंग, ये गुजराती पापड़ी जो है, यू नो यू कैन हैव अ लुक लाइक, आपको दिख रहा है कि नहीं आई एम नॉट श्योर। तो चाय के साथ बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन लग रहा है, इट्स अमेजिंग कॉम्बिनेशन विद चाय। सो डू वेट एट दिस प्लेस अगर नाइट्रोजन आपको फिल करना है टायर्स में, बिकॉज ये थोड़ी दिक्कत हुई मुझे नाइट्रोजन पम्प ढूंढने में। फाइनली आई फाउंड वन पम्प एंड इट हैज़ काइंड ऑफ ऑल इन वन एवरीथिंग लाइक दे हैव हियर। सो ये ट्रिप हमने डिज़ाइन ऐसी की है कि पहले हम दीव जाएंगे और आते समय फ्रॉम दी अदर साइड राजपिपला वगैरह करके देन वील सी स्टैचू ऑफ यूनिटी। पर अगर किसी को स्टैचू ऑफ यूनिटी पहले जाना है तो वो पीछे जो एक जंक्शन गया वहाँ से उसके बाद में कुछ एक राइट आता है मेरे ख्याल से, तो वहाँ वो वाला जो हाईवे है दैट वुड टेक यू टू स्टैचू ऑफ यूनिटी, राजपिपला वगैरह वो सब जो जगह हैं। एंड अभी जो हम लोग गए वो राइट नहीं लिया हमने, हम सीधा स्ट्रेट जा रहे हैं। सो दैट्स द डिफरेंस। और आते समय विल बी कमिंग फ्रॉम दैट साइड, दैट्स हाउ द ट्रिप इज। सो उस टाइम हम वो वाले रूट को कवर करेंगे जो राजपिपला वाला रूट है ऑन द रिटर्न जर्नी। तो ये 6 टोल पूरे हमारे रूट पर, ये नर्मदा ब्रिज टोल प्लाजा है। ट्राइंग गुजरात का वड़ा पाव, लेट्स चेक लाइक नो हाउ व्हाट इज द डिफरेंस इन द टेस्ट। तो ये प्रेपरेशन थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें तवे पे पाव लगाते हुए लोग। गर्म नहीं है क्या वड़ा? वड़ा गर्म अभी निकाल, आप ये तवे पे भी करते हैं क्या ऐसा गर्म? हाँ मुंबई से है, मुंबई में ऐसा तो नहीं होता। नहीं वो ठंडे से, हाँ बराबर, वो इससे निकाल के डायरेक्टली पाव में डाल के, इसमें पाव भी गर्म करते हैं आप? हाँ पाव। अच्छा, तो ये थोड़ा डिफरेंस है प्रेपरेशन में। और ये एक छोटी चटनी भी देते हैं साथ में, सो पाव पाव भी जल्दी गर्म राइट नाउ, थोड़ा भी गर्म है पाव भी गर्म है। चटनी वेरी स्पाइसी, वेरी स्पाइसी चटनी। एक और चटनी है विच इज स्वीट वन, लिटिल डिफरेंस इन द वे दे हीट द पाव, दैट्स द ओनली थिंग, अदरवाइज टेस्ट वाइज इज द सेम, एक्चुअली द सेम। क्या दादा इसको क्या बोलते हैं? चौरा फड़ी। चौरा फड़ी हमको दे दो जरा, एक एक प्लेट पार्सल दे दीजिए। सर नियर टू भरूच स्टेशन, उसके पास में इनका दुकान है। चौरा फड़ी ना, चौरा फड़ी बोलते इसको, छोला छोला फड़ी।
ये कौन सा मसाला है, इसको क्या बोलते हैं? इसका ही है, इसमें छोला पड़ी का ही है। छोला पड़ी इसी का मसाला। ओके, कितना हुआ इसका? 40 रुपीज़। क्या क्वांटिटी कितना? 100 ग्राम आता है। कौन था ये चटनी, हरा चटनी? ये मिर्ची पुदीने का। मिर्ची पुदीने का, ओके। ये मिर्ची पुदीने का चटनी है छोला पड़ी के साथ। हम लोग अभी इसको गाड़ी में खाएंगे, तो बताता हूँ क्या रिव्यू है इसका। राइट, आई एम हैविंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, सो फिंगर्स क्रॉस्ड। जस्ट गूगल्ड तो उसको चोरा फड़ी वर है, दैट्स व्हाट ही वाज सेइंग, बट एक्चुअल द स्पेलिंग वाज CHORAFALI, चोरा फड़ी, चोरा फड़ी। सो राइट नाउ आई एम एट संगम खारी सिंह सेंटर। यहाँ पे खारे सिंह है अलग अलग फ्लेवर्स के, एंड भरूच इज वेरी मच रिनाउंड फॉर खारा सिंह। ओके, सो दीज आर मल्टीपल फ्लेवर्स लाइक पानीपुरी, खट्टा मीठा, शेजवान, गार्लिक एंड स्टफ लाइक दैट। तो हमने चीज गार्लिक का लिया है और शेजवान का लिया है। दो आर द टू वैराइटीज दैट वी हैव टेकन, एंड इट इज़ कॉस्टिंग समवेयर अराउंड 280 रुपीज पर केजी। सो दैट इज द करंट रेट राइट नाउ। आई टेस्टेड सम ऑफ देम एंड दे वर रियली ऑसम। संगम खारी सिंह सेटअप। सो इफ यू आर इन भरूच, डू विजिट दिस प्लेस। भरूच में लंच के लिए हम गए थे कप्तान एग सेंटर में। वहाँ हमने ट्राई किया सूरती ऑमलेट और एग घोटाला, जो कि गुजरात की स्पेशल नॉनवेज डिशेज हैं एग वाली। वही हमें ट्राई करनी थी, हमें रेगुलर चीज़ें नहीं ट्राई करनी थी फॉर लंच। एंड विदाउट एनी हेजिटेशन आई कैन गिव इट अ रेटिंग ऑफ 5/5, नॉट जस्ट फॉर द टेस्ट बट इवन फॉर द कर्टसी ऑफ द ओनर हु वॉक्ड अप टू अस एंड एक्सप्लेन्ड अस हाउ दोज फूड आइटम्स वर मेड। यस, ही हिमसेल्फ वाज मेकिंग दोज फूड आइटम्स इन द किचन, एंड आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड दिस प्लेस फॉर एनीवन विजिटिंग भरूच। इसका एक डिटेल वीडियो मैंने अपने चैनल पर पोस्ट किया है, दैट्स व्हाई आई विल अवॉइड गिविंग एनी डिटेल्स अगेन हियर टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ कंटेंट। चलिए कंटिन्यू करते हैं अपनी डे टू की जर्नी। ये एक प्रॉब्लम है इस हाईवे पर, काफ़ी सारा हैवी ट्रैफिक होता है, टैंकर्स, लॉरीज, कंटेनर्स वगैरह, वो सब चीज़ें बहुत, मतलब बहुत ही ज़्यादा। मे बी देर आर पोर्ट्स नियर बाय एंड दे ऑफलोड एंड यू नो लोड दोज थिंग्स एंड दे ट्रांसपोर्ट फ्रॉम देयर। सो आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ दैट। इस तरह की जो ब्रिजेस है जिसमें एक साइड पर सिर्फ दो ही लेन है, मे बी दैट इज़ द रीज़न वाई यहाँ पे काफ़ी सारा ट्रैफिक जाम होता है जस्ट बिफोर दोज ब्रिजेस। कोई टैंकर ख़राब नहीं है, कोई गाड़ी ख़राब नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, कोई एक्सीडेंट नहीं। बट आई थिंक जब 3 lanes दे मर्ज इन टू 2 lanes फॉर दैट स्मॉल ब्रिज, नैरो ब्रिज, उसके वजह से ये थोड़ा बॉटल नेक हो जाता है। एंड देर आर मल्टीपल सच ब्रिजेस एट मेनी प्लेसेज, यू विल एनकाउंटर दोज थिंग्स, स्मॉल स्मॉल ट्रैफिक जैम्स दैट विल एलोंगेट योर जर्नी टाइम। तीनों लाइन में ट्रक्स एंड दीज गाइज, यू नो दीज हैवी व्हीकल्स आर लाइंड अप। मेरे ख्याल से 2 या मैक्सिमम 3 चैनल्स ही ओपन होने चाहिए फॉर टोल फॉर हैवी व्हीकल्स, एंड अदर 2 चैनल शुड बी कैप्ट फॉर प्राइवेट व्हीकल्स राइट टू एंटर द टोल प्लाजा। उससे ज़रा डिस्पर्सल फास्ट होगा। सो वी बीन लाइक नो इन दिस लाइन फॉर लास्ट 30 मिनट्स और मे बी लिटिल मोर देन दैट, एंड द टोल प्लाजा इज स्टिल 1 किलोमीटर अवे। सो ऑल दिस थिंग्स आर गोइंग टू कॉज डिले इन योर रोड ट्रिप टू रीच योर डेस्टिनेशन। तो ये 7th टोल प्लाजा है। सो दिस इज लाइक वडोदरा भरूच टोलवेज। इसका नाम है भरथाना टोल प्लाजा। भरथाना टोल प्लाजा, तो टोल भरथानाच वे जातो तिकडे। त्याचं नाव आय थिंक भरथाना टोल प्लाजा ठेवलं। तो यहाँ पे जो एक जंक्शन है नेशनल एक्सप्रेस वे के लिए जाने के लिए, वहाँ पे काफ़ी सारे कॉफी शॉप्स एंड स्नैक हाउसेस वगैरह है। सो वी प्लान टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक ऑफ 10 मिनट्स ओवर हियर एंड देन वी विल हेड टू द एक्सप्रेस वे। एक बहुत अच्छी चीज़ गुजरात के चाय के बारे में ना, गुजरात में चाय काफ़ी अच्छी मिली, जहाँ जहाँ भी हमने चाय पी ना बहुत अच्छी चाय मिली। यू कैन इवन चेक इट आउट,
कैन चेक आउट द टेक्सचर द रिचनेस सो अमेजिंग ओके एंड बीइंग अ चाय लवर मुझे तो बहुत अच्छा लगा गुजरात में आके स्पेशली चाय मिल गई अच्छी क्वालिटी की चाय एंड दिस बन मस्का ऑफ कोर्स दिस अगेन माय फेवरेट बट लुक एट दैट बटर ये जो मस्का जो लगा है ना खतरनाक वाला मस्का लगा है राइट सो आई एम एंजॉयिंग माय चाय वी विल टेक अ ब्रेक ऑफ 10 मिनट्स एंड देन लीव अगेन फॉर आवर रोड ट्रिप टू भावनगर एक्सप्रेस वे शुरू होने जा रहा है एंड देयर इज नो यू टर्न अलाउड देयर इज अ क्लियर कट साइन ओवर देयर दिस इज द 8th टोल ये एक्सप्रेस वे वाला टोल है और हमें दूसरा एक रोड दिखा रहा था एक्चुअली विच वॉज लिटिल शॉर्टर व्यास संबंध के लिए भावनगर कैसे जाना है तो दे रिकमेंडेड ही रिकमेंडेड दिस रूट विच इज एज पर हिम फास्टर तो अर्लियर जो हमने रूट डिसाइड किया था ना एट द बिगिनिंग ऑफ द जर्नी उसमें आनंद नहीं था इट वॉज नॉट वाया आनंद बट एक्सप्रेस वे से जाने के बाद इट वॉज वाया आनंद तो अभी हम आनंद के एक स्क्वायर में हैं एक जंक्शन में हैं जिस ऑपोजिट स्वामीनारायण बाग छात्रालय ये काफ़ी सारी इटरीज हैं यहाँ पे एंड वी वांटेड टू एक्चुअली ट्राई उसका आइसक्रीम आनंद का आइसक्रीम यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे हैं आइसक्रीम की शॉप्स एंड स्टफ लाइक दैट ओके तो इसको आइसक्रीम ट्राई करने का हमारा प्लान है यहाँ पे चलो देखते क्या है एक जगह है काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आते हैं एंड इसके पीछे भी काफ़ी सारे स्टॉल्स हैं फूड ट्रक ये सब भी चीज़ें हैं यहाँ पे पूरी गली जो है ये पूरी गली खाऊ गली टाइप है वाओ मैडनेस ये मिक्स कसाटा वजन करते हैं आपकी कैसा करते हैं 100 ग्राम इसका कसाटा ऐसा है चॉकलेट है पिस्ता है सीताफल है मावा है अच्छा ये जंबो क्या नाम है दुकान का जंबो क्या बॉम्बे कुल्फी आइसक्रीम बॉम्बे अच्छा अच्छा बॉम्बे कुल्फी आइसक्रीम आनंद में आके हम लोग बॉम्बे का खा रहे हैं देखा यू वांट दिस मी वांट हां यू ईट इट वाओ इट्स अ चॉकलेट डिप आइसक्रीम कैन आई हैव अ टेस्ट ऑफ इट ओह आई एम कट्टी विद आनंद कट्टी विद आनंद दिस इज अ गुड फूड ट्रक आइसक्रीम ट्रक आइस स्टेशन तो इस एट द सेम स्क्वायर ये जंक्शन पे है अंकल इसके साथ में क्या बनेगा ये इसके बास्केट पूरी है सर ये बास्केट पूरी हाँ जी हाँ बास्केट बन जाएगी ओके तो एक प्लेट में कितना है का पीस इसका फाइव पीस है एक बना दो ना हमारे लिए लेट्स सी हाउ द बास्केट पूरी टेस्ट ये चटनी पूरी स्पाइसी मीडियम हाँ मीडियम बना दो थैंक यू अंकल वेलकम इसको क्या बोलते बास्केट चाट ना बास्केट चाट इसको खाते बास्केट चाट को Nice. Very nice. Sure. You want Anand? Good. Mm. Anand, do try this basket chat item. Actually, it's something similar to Pani Puri, Shev Puri. उसमें क्या है कि ये पूरी बास्केट का शेप किया एडिबल वन एंड क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा आती है फुल पूरी आई बी हैविंग अच्छा हॉल था आनंद में वी टुक अ स्लाइस ऑफ आनंद या काफ़ी सुना था आनंद के बारे में एक्चुअली हमारी लिस्ट में नहीं था
बट बिकॉज ऑफ सम डी टूर थोड़ा नेशनल एक्सप्रेस वे से रूट किया, उसमें आनंद आ गया, तो सोचा कि चलो ट्राई कर लेते हैं आनंद का स्ट्रीट फूड, इट वॉज अमेजिंग। तो अभी ये यहाँ पे हमें टाइम हुआ है हमारा 9:30 राइट, एंड स्टिल इज 3.5 आवर्स टू गो अप्रॉक्सीमेटली टू रीच भावनगर। देखते हैं ऑन द वे और क्या क्या कर सकते हैं, and we may probably reach there somewhere around 12:30 or something. Want to eat non-veg. Yeah, we want to eat non-veg. Mil nahi raha hai yahan pe, and in a good area, in a good shop. Let's see if we can find one. Ek aur important baat hame dhyan rakhni hai ki Google Maps pe itna bharosa nahi karna hai jo Google Maps timing batata hai, because what we observed was even though when we were on a highway at a speed of 80, we were driving for let's say half an hour, 45 minutes, and then again we were seeing how much time is left to reach the destination. Sirf 10 minute hi kam ho jate the usme, and it was very frustrating because we were at a constant speed but it was not reflecting in the Google Maps ka time remaining, you know, to reach the destination. To aapka tour agar aapko plan karna hai, hotel bookings and other things, you know, to usme thoda aap zyada buffer rakhiye. Anand ke baad ye single road shuru hota hai, highway khatam ho gaya, तो बीच में जो पार्टीशन है, डिवाइडर है, दैट इज ऑल गॉन, एंड नाउ इट्स ओनली द सिंगल रोड विच इज देयर, एंड इट इज एडवाइजेबल कि अगर आप इस रूट से जा रहे हो दीव या फिर भावनगर की तरफ, तो थोड़ा आप जल्दी स्टार्ट कीजिए आपका दिन, और जो आप एक्टिविटीज़ में टाइम स्पेंड करते हो दिन में, कहीं और रुके, खाना खाया, जो भी है वो थोड़ा शॉर्ट रखिए, सो दैट यू डोंट नीड टू ट्रैवल ऑन दिस रोड आफ्टर सनसेट। तो अभी फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग पैच ऑफ सिंगल रोड और थोड़ा सा बाद में वो आइसोलेटेड भी था, बट नाउ वी आर फाइनली बैक ऑन टू द हाईवे। टर्न राइट ऑन द नेशनल हाईवे 751D। Stall that we are at. Road तो बहुत बढ़िया है सब, they deserve a toll, that's fine. I'm okay to pay the toll, but not the damages to my car due to potholes. Special junction है, यहाँ से अगर straight जाते तो बागोदरा और left जाते तो भावनगर। हमें बागोदरा तो नहीं जाना है, तो इसलिए हम left ले रहे हैं. And we are heading towards Bhavnagar. I hope the road is good and safe. Fingers crossed. तो जैसे हमने left लिया भावनगर के लिए, single road started. Road जैसे आगे आ जाता है ढोलेरा वगैरह की तरफ, तो ये kind of single lane road है ये, मतलब one way, a single lane to go and single lane for the incoming traffic. Okay, there's no divider in between. And people are trying to overtake and stuff like that. 20 kilometers up to Dholera. So after this, we'll be waiting for a few minutes in a restaurant. So it's 11:30 right now. We're at what junction of Dholera? Junction hai yahan pe. Left mein Dholera jata hai, aur seedhe gaye to Diu and Bhavnagar. Right. So we are at that junction. Raat mein itni achhi thandi hai. As per Google, it is 18 degrees, but I think 16. As per Google, it is 16. हम यहाँ पे चाय पी रहे हैं।
PM. Curry and chai. Maza hi alag hai. This is a road trip. मुझे रात में खाने का ये मजा है ना जो हमें मिलता नहीं मुंबई में ठंड में चाय लेट नाइट एंड वो भी विद खारी सच एन अमेजिंग कॉम्बिनेशन दिस इज विद दिस वेदर ऑसम एंड यू शुड डू सच थिंग्स विच यू डोंट गेट टू डू अग्रीड टोटली लेरा जंक्शन के यहाँ पे ये होटल है जय भवानी होटल गुड वी ट्राई पनीर चिली ट्राई मंचूरियन ट्राई अच्छा था एंड कॉस्ट इज ऑल्सो वेरी अफोर्डेबल पनीर एंड मंचूरियन यू वोंट बिलीव दे कॉस्टेड जस्ट 120 बक्स और समथिंग लाइक दैट इन दैट रेंज 120-140 बहुत ही अच्छा है आई मीन ओवरऑल इन गुजरात ऑल्सो आई सॉ दैट द रेट्स वर वेरी पॉकेट फ्रेंडली सो गुड क्वालिटी गुड प्राइस एंजॉइंग द ट्रिप सो फार तो एक बार आप जब होटल जो मैंने बताया था वो पास हो जाता है उसके बाद पेट्रोल पंप सीएनजी ये सब चीज़ें आपके पास बहुत कम ऑप्शंस रहेंगे इवन होटल्स और ढाबाज आई थिंक गुड वंस आर वेरी रेयर मे बी मैक्स वन सो वी बीन ड्राइविंग फॉर द लास्ट 45 मिनट्स और समथिंग और हमें सिर्फ एक अच्छा पेट्रोल पंप और एक अच्छा होटल बस यही चीज़ें दिखी है एंड देर इज़ नो अदर वे टू स्टॉप इन बिटवीन ऑल्सो अभी ये जस्ट कन्वर्ट हुआ है इन टू अ हाईवे विद अ डिवाइडर इन बिटवीन तो वो जो होटल मैंने बताया था बिफोर दैट और मे बी इवन बिफोर यू टेक भावनगर का टर्न लेफ्ट टर्न उसके पहले ही आप फ्यूल टॉप अप कर लीजिए और ये है दसवा टोल इतनी रात को ऑब्वियसली कोई भीड़ नहीं होगी या दस टोल हो गए अपने भैया दस टोल And this is the end of day 2 of our road trip, which was the longest and the most tiring day. We were so tired that we just reached our hotel room and crashed on bed. Total journey was 450 plus kilometers. Total journey time was around 14 hours. We left Valsad in the morning at 10 a.m. and we reached Bhavnagar at 2 a.m. the next day. Day 3 par hum Diu pahunche. Vaise Diu is very beautiful. घूमने के लिए काफी सारी जगह हैं, बट द नाइट वाइब एट नागोवा बीच इज समथिंग दैट यू शुड नॉट मिस आइए देखते हैं डे 3